मेरे भाइयों, ये दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द कोई बीमारी नहीं है। दर्द वो अलामत है जो बताती है जिस्म में कोई मसला है, जिस्म में कोई परेशानी है, उस परेशानी को ठीक करो। मेरे भाइयों, सेम लाइक इसको समझो, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी गाड़ी में फ्यूल कम हुआ और गाड़ी ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, उसने अलार्म देना शुरू कर दिया और आपने उसमें पेट्रोल नहीं डाला बल्कि उस तार को काट दिया। मेरे भाइयों, ये दर्द वो ब्लिंक करना है, वो इंडिकेशन है, वो साइन है, वो अलामत है कि जिस्म में कोई मसला है, उस मसले को ठीक करो। मेरे भाइयों, दर्द की दवाई ना खाओ, तो जिस वजह से वो दर्द है उस वजह को दूर करो। और इस कायनात में जितनी वजूहात हैं मेरे भाइयों, दर्दों के लिए बेहतरीन दवाई जो इस्तेमाल की जाती है वो दूध में हल्दी और दालचीनी डाल के पीना है, क्योंकि ये जो हल्दी है वो हमारे जिस्म के अंदर जितनी तोड़फोड़ होती है मेरे भाइयों, उसको हील करने में बेहतरीन रेमेडी है। मेरे भाइयों, पित्ते में पत्री तकरीबन हर इंसान के जिस्म में होती है, सिर्फ दो फर्क हैं, एक को दर्द होती है, एक को दर्द नहीं होती। डॉक्टर के पास जाओगे वो आसान सा हल बताएंगे, पित्ते की सर्जरी कराओ, इसको निकाल लो। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बेकार तो पैदा नहीं किया था, इसका कोई मकसद था। अगर आपके पित्ते में दर्द है पत्री की वजह से, एक गिलास पानी लो, उसके अंदर एक पूरा नींबू निचोड़ो, उसको अच्छी तरह गर्म करो और एक चाय वाला चम्मच उसमें जैतून का तेल मिलाओ, एक चम्मच शहद मिलाओ और मेरे भाइयों वो पानी पियो, पित्ते की पत्री का बेहतरीन इलाज है। वो देखना पड़ेगा, उसका नहीं पता चलेगा वो किस वजह से क्या करते हैं, ये भी देख के पता चलेगा। ऐसे नहीं,